जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले दोस्तों, हमने जो आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको सब कुछ मैंने पढ़ाया था, अब जो है दोस्तों हम टोक्यो पैरालंपिक के बारे में देखने वाले हैं। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन और दोस्तों ये सभी के सभी है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 संबंधित जो कि 2021 के अंदर हुए थे, ठीक है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक खेल जो है कौन से क्रम के खेल हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक खेल है कौन से नंबर के खेल है। अगर आप सोच रहे हो दोस्तों ये जो है 32वें नंबर के खेल हैं, तो आपका आंसर जो है गलत है। याद रखना ये जो टोक्यो पैरालंपिक, याद रखना ओलंपिक नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है पैरालंपिक, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये 16वें नंबर के खेल है। कितने 16वें नंबर के दोस्तों 16 क्रम के जो है ये खेल से टोक्यो पैरालंपिक। बात की जाए टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, तो 32वें जो है दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक 2020 थे, ठीक है। तो आप सभी को समझवाएंगे 16वें क्रम का है हाल ही में जो हुआ टोक्यो पैरालंपिक, ये 16वें क्रम का पैरालंपिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग किस लेखक दोस्तों, जो टोक्यो पैरालंपिक जो है इसका थीम सॉन्ग जो है ये किस किसके मतलब दोस्तों इसका लेखक कौन है और दोस्तों इसका गायक कौन है। याद रखना इसका ये जो थीम सॉन्ग है, पहली बात ये थीम सॉन्ग कौन सा है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों ये टोक्यो पैरालंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो है दोस्तों कर दे कमाल तू। क्या दोस्तों कर दे कमाल तू जो है ये टोक्यो पैरालंपिक जो है इसका थीम सॉन्ग है, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों इसे जो है गाया किसने दोस्तों, इसके याद रखना आप सबको लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों संजीत सिंह है। और इसके गायक कौन है, तो दोस्तों इसके गायक गायक जो है ये भी संजीत सिंह ही है, ठीक है। याद रखना गायक जो है ये भी संजीत सिंह है और लेखक दोनों संजीत सिंह है, ठीक है। लेखक का गायक संजीत सिंह। क्या गाना कौन सा दोस्तों, गाना है कर दे मैं कर दे कमाल तू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक जो है दोस्तों इसका जो समापन कार्यक्रम, याद रखना टोक्यो पैरालंपिक का दोस्तों एक समापन कार्यक्रम होता है, एक उद्घाटन कार्यक्रम होता है। दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक का जो समापन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में दोस्तों ध्वजवाहक कौन थी दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो समापन कार्यक्रम जो शायद आप सभी को समापन कार्यक्रम जो इसके अंदर ध्वजवाहक थी अवनी लखेरा। कौन अवनी लखेरा जो है दोस्तों ये टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में जो है ध्वजवाहक थी। अगर आपसे बात की जाए कि उद्घाटन कार्य उद्घाटन जो समारोह उद्घाटन जो दोस्तों कार्यक्रम था इसके अंदर भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी दोस्तों, उद्घाटन के दौरान भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी टेक चंद। कौन थी, उद्घाटन में टेक चंद और समापन में अवनी लखेरा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का चौथा प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, अगर आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं तो उसमें आप सभी को पहले बता दूँ, अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है, टोक्यो ओलंपिक में तक आप सभी को अमेरिका, ठीक है। बात की जाए टोक्यो जो है पैरालंपिक में, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक में, तो टोक्यो पैरालंपिक में ऑप्शन नंबर बी चीन, ठीक है। याद रखना ओलंपिक में यहाँ लिखा टोक्यो ओलंपिक में जो है अमेरिका है, टोक्यो पैरालंपिक में कौन है, पैरालंपिक में चीन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपसे पैरालंपिक भी पूछेगा और ओलंपिक भी पूछेगा, आपको जो है सोच समझ कर जो है आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना आप सभी को। और बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक जो है इसके अंदर भारत की रैंक है, आप सभी को मालूम चाहिए टोक्यो पैरालंपिक जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 24, कितनी है भारत की रैंक है 24। अगर आपसे बात की जाए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, भारत ने जो है दोस्तों कुल 19 पदक जो है भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के अंदर जीते हैं, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक है 48, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों हमारा पाँचवा प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टोक्यो और पैरालंपिक, याद रखना टोक्यो पैरालंपिक में टोक्यो पैरालंपिक जैसे खेल है इसमें दोस्तों भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया। याद रखना टोक्यो पैरालंपिक कौन सा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का या जो अभी हाल ही में 2021 के अंदर वही दोस्तों उसके अंदर जो है बात की जाए भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं। तो पहली बात दोस्तों आपको बता दूँ पदक नहीं, यहाँ पर बात करें भारत के जो है दोस्तों कुल कितने खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था, तो भारत के दोस्तों कुल जो है 54 खिलाड़ियों ने, कितने 54 जो खिलाड़ी इन्होंने इसके अंदर भाग लिया था टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। और बात कीजिए कितने खेलों के अंदर जो है भारतीय भारत ने भाग लिया था, तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों भारत ने जो है कुल 9 खेलों के अंदर, कितने कुल दोस्तों 9 खेलों के अंदर जो है भारत ने भाग लिया था, ठीक है। और कितने प्लेयर थे, 54 प्लेयर्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है भवानी बेन पटेल कौन दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है, भवानी बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किस खेल में जिताया। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर एक आंसर निकल के आ जाता है, एक क्वेश्चन का आंसर आता है कि दोस्तों भारत भारत में जो है याद रखना आप सभी को
दूसरी जो टोक्यो पैरालंपिक था दोस्तों, इसके अंदर जो है सबसे पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता है? तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे दिया गया भवानी बेन पटेल जो है, इन्होंने भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक के अंदर सबसे पहला पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने तो जीता है, लेकिन बात की जाए किस खेल में जिताया, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सा पदक जीता। तो मैं आपको दोस्तों, इन्होंने जो है टेबल टेनिस के अंदर, कौन से टेबल टेनिस के अंदर जो इन्होंने जीता है, और बात की जाए कौन सा मेडल जीता है, दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस के अंदर। नाम के भवानी बेन पटेल, पहली भारतीय महिला टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर जिन्होंने कोई पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो मैं आपको बता दोस्तों, सुमित अंतल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है, प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, और दोस्तों ये जो सुहास यथीराज है, कौन दोस्तों, ये जो सुहास यथीराज है दोस्तों, इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक के अंदर कोई भी मेडल नहीं जीता। क्या लगा आप सभी, इन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक के अंदर कोई भी मेडल नहीं जीता। बात कीजिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर मेरिट मिस्टेक है दोस्तों, ये जो सुहास क्वेश्चन है दोस्तों कि किन्होंने सिल्वर क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है कि दोस्तों किसने जो है इसके अंदर गोल्ड मेडल नहीं जीता टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। दोस्तों ये जो सुहास यशी राज है दोस्तों, इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक के दौरान भाग लिया था, इन्होंने मेडल भी जीता, लेकिन दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। बात करें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो दोस्तों इन्होंने जो है नोएडा, पहली बात दोस्तों ये जो नोएडा के क्या है दोस्तों, ये जो नोएडा के कलेक्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं नोएडा के DM है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों, ये जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किस खेल के अंदर, बैडमिंटन के अंदर जो है सुहास यथीराज ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना आपसे को दोस्तों, ये जो है भारत के पहले कोई भारत के जो है पहले कलेक्टर है जिन्होंने दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक के अंदर मेडल कोई मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल नहीं, कोई मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दो पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो मैं आपसे बोलता दोस्तों, दो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, वो है दोस्तों याद रखना आप सभी को, अवनी लखेरा। कौन? अवनी लखेरा जो है दोस्तों, इन्होंने पहली बात दोस्तों 10 मीटर जो है दोस्तों, जो 10 मीटर शूटिंग के दोस्तों याद रखना, 10 मीटर के अंदर पहली बात आपको दो, इन्होंने जो दोस्तों 10 मीटर के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और दोस्तों जो 50 मीटर है इसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये दोस्तों रनिंग से नहीं है इनका संबंध, खेल से इनका संबंध दोस्तों शूटिंग से। ठीक है, 10 मीटर शूटिंग में और दोस्तों 50 मीटर शूटिंग में याद रखना, 10 मीटर में गोल्ड मेडल और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने जीता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए नाम क्या, नाम है दोस्तों अवनी लखेरा, याद रखना कौन सा पैरालंपिक, कौन सा टोक्यो पैरालंपिक, ओलंपिक नहीं पैरालंपिक। बात कीजिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में, तो कौन दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु, कौन है टोक्यो ओलंपिक में, कौन है तो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों PV सिंधु। दोस्तों ये था हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, जो मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों 8 जो क्वेश्चन है ये आपके SSGD का भी हाल में जो पेपर चल रहा है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में टोक्यो पैरालंपिक भी करा दिया है। ठीक है, याद रखना इसके कुछ जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपको बता दिया, भारत की तरफ से क्वेश्चन पूछे हैं आप पूछेंगे, आपको जो किसी और कंट्री की तरफ से आपसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये था दोस्तों हमारा आज की वीडियो, और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।